करते रहिए मीटिंग खेलते रहिए मीटिंग अलहुआ मीटिंग है, मिटिंग, मिटिंग. अल तो जो अल है अल क्या होता है? भाई रघुवीर यादव के सामने एक्टिंग करना आप आसान समझते हैं। भूषण बन के तो हम वो दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे रियल लाइफ में खाई नहीं खाते हैं? आँग? नहीं नहीं रियल लाइफ में कभी नहीं खाया। कभी नहीं झूठ बोल रहे हैं नहीं कभी नहीं। तो खाए विद्या विधायक <laughs> 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 जी हाथ में कबूतर ले हैं कि कबूतर को कुछ हो ना जाए अभी कुत्ता के दिखा चुका है <laughs> <laughs> पहली बार बोल रहा आपके चैनल पे शाहरुख खान के रईस फिल्म में था मैं अस्सी बार मुझसे रिहर्सल करवाया गया सुल्तान में मैंने यशराज में तीन हजार लोगों के साथ लग के ऑडिशन दी अगर सही कहानी लिखी जाए तो कांस में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिलता है ना वो भी ला सकता हूँ मैं

विनोद कहाँ है विनोद भाई अभी घूम रहे होंगे विनोद <laughs> देख देख रहा रहा होगा होगा किसी और <laughs> <देख रहा> को <आपका। laughs> तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके पंचायत के हर सीजन बहुत मीम्स वायरल होते हैं जी जी और उसमें सबसे ज्यादा वायरल जो है वो आपके ही मीम्स होते हैं देख रहा है विनोद पंचायत थ्री में भी एक मीम जो है आपका बहुत वायरल हो रहा है मीटिंग मीटिंग क्या है वो वाला डाल एक बार वो अगर हो जाए करते रहिए मीटिंग खेलते रहिए मीटिंग मीटिंग अलहुआर मीटिंग ये जो अलुआ है ये अलुआ क्या होता है अलुआ होता है हमारी तरफ सब्जी होती है, है कुछ देखिए यही होता हाँ, है क्या अलुआ? यही है अलुआ <laughs> यही है, अलुआ, <laughs> यही है अलुआ। तो जिनको नहीं पता वो दिखा दीजिए कैमरा में अलुआ क्या होता है ये अलुआ होता है शकरकंदी शकरकंदी बोलते है, 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 अंग्रेजी में स्वीट पटाटा स्वीट पटाटा इसको बॉइल करके अच्छे से खाया जाता है कच्चा भी खा सकते हैं कच्चा भी खाया जाता है तो ये राइटर जो चंदन कुमार ने लिखा ना उसमें एक फिनिशिंग पॉइंट देने के लिए मैंने इसको यूज किया और अलवा आप सिर्फ मीटिंग वाला डायलॉग में ही नहीं बोले नहीं बोले बड़ा, <laughs> <अलुण> बड़ा, <आद्णी। laughs> बड़ा तो हाँ को मतलब कोई मतलब नहीं कुछ नहीं सबसे सस्ता चीज है अलवा ताकत में किसानों के लिए बहुत ताकतवर चीज है बॉयल अलवा और दूध खाली ये चौबीस घंटा मेहनत करता रहता है ये ताकत के मामले में बहुत बड़ी चीज है तो जैसे लौकी अपना मेटाफर है हाँ, हाँ। वैसे मैंने कोशिश की कि अलवा फर को अलवा को भी एक मेटाफर के रूप में लाया जाए अगर भूषण जी जो है वहां पर जीत जाते हैं प्रधान जी बन जाते हैं जी जी। अलवा 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 की ले 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 खेती की खेती खेती होगी <laughs> और हर किसी को जो है ही दिया जाएगा मैंने अभी पांच किलो अलवा नीना गुप्ता जी को दिया उन्होंने पूछ दिया अलवा है क्या तो पांच किलो नीना जी को दिया पाँच किलो रघुवीर सर को दिया और पोस्टर शूट हो रहा था तो आधा आधा किलो सब में बटवा दिया अमेजोन वालों में भाई देख लो अलवर का अपरिचित मत रहना अपरिचित नहीं रहना ठीक है आप रख दीजिए इसको आपका आपका जो कैरेक्टर है वो काफी धीरे-धीरे डेवलप -धीरे हुआ है आई थिंक फर्स्ट वाला जो सीजन था उसमें आपका सिर्फ एक ही सीजन जी, था जी जी बट वो ऐसा निकल के आया इतना पसंद किया लोगों ने कि सेकंड सीजन में और रोल बढ़ा दिया गया और थर्ड सीजन में इतना सिग्निफिकेंट रोल कर दिया गया है अभी जी

वो चीज आप बताइए कि ये जो आपका कैरेक्टर है इस तरह के रोल निभाने में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है ना कि एक सुर भी अगर आपका थोड़ा ऊपर निकल जाता है ना तो ओवर एक्टिंग लगने लगता है जी, जी।, जी. है। तो उसको कंट्रोल कैसे किया वो में? हम एक्चुअली इसमें मदद करते हैं हमारे निर्देशक सर वो बोलते हैं तू कर तो मैं किया एक नोट ऊपर हुआ तो वो बोल देंगे कि थोड़ा कम कर तो कम कर दिया और कभी कभी कम करने के चक्कर में एक बार नेचुरल कर दिया या कम कर दिया दुर्गेश से एक नोट बढ़ा दे अच्छा बढ़ाने में हाँ। बोलते हैं हाँ। कोई ऐसा ऐसा सीन याद आ रहा है जिसमें हाँ। देखिए मैंने किया एक बार किया आपको तीन वर्जन बताइए दिखाई हाँ, हाँ। जैसे कि एक वर्जन है लिखा हुआ है राइटर हाँ। ने लिखा हुआ चंदन कुमार ड्रामेटिक एक डायलॉग है हु जिसको बोलते हैं ड्रामेटिक कीजिए तो मैंने उसको रात में बनाया खून की नदियां बहाएंगे फिर उसमें छपक छपक नहाएंगे पूरे गांव को नहलाएंगे यही अलवा वाला प्लान बना बैठे हैं प्रधान जी ओके आउट उन्होंने बोला सेटल कर खून की नदियां बहाएंगे उसमें कूद के छपाक छपाक नहाएंगे फिर पूरे गांव को नहलाएंगे यही अलवा वाला प्लान बना के बैठे हैं प्रधान जी।, okay. जी अब निर्देशक बोला पहला वाला ठीक था hmm. खून की नदियां बहाएंगे फिर उसमें कूद के छपक छपक नहाएंगे फिर पूरे गांव को नहलाएंगे यही अलवा वाला प्लान बना के बैठे प्रधान जी ये डायरेक्शन है एक्टर तो अपने अपना अपना इंटरप्रिटेशन वो कर लिया है कर लिया हाँ, हाँ, लेकिन निर्देशक बोला है, टोन डाउन थोड़ा ऊपर मजा आ रहा है बस ये दीपक कुमार मिश्रा जी का डायरेक्शन पंचायत के लास्ट सीन में सचिव जी ना भूषण को थप्पड़ मारते हैं भूषण को थप्पड़ लगता है ना पूरे सीरीज का मजा एक तरफ है उस एक थप्पड़ का मजा एक तरफ जी। वो सीन कुछ याद है आपको जब सीन शूट हो रहा था क्या आपकी याद है हम लोगों को तो बोला गया था कि हाँ। आप लोग को फ्री करना है एक्शन डायरेक्टर हाँ। आए थे एक अपने भाई हाँ। उन्होंने किया था हाँ। हम लोग ने बहुत शूट किया हुआ है हाँ। उसका बहुत चाय फेंक दे रहा है आपके ऊपर कितने बहुत टेक हुए थे लगभग छे घंटे में लगभग अच्छा छे घंटे में वो कोरियोग्राफ किया हुआ है कि ऐसे ही रहता सिंप्रोवाइज वो बेसिकली रॉ कोरियोग्राफ कोरियोग्राफ अच्छा। इतनी सारी चीजें होती है इतना इम्प्रोवाइजेशन होता है और क्या है ना कि वो इम्प्रोवाइजेशन आप रिपीट नहीं कर सकते नहीं कर लगने जी, जी। जैसे एक सीन और याद आता है कि जहां पर वो शांति वार्ता के लिए आपका कैरेक्टर जो है विधायक जी को बुलाया है विधायक जी हाथ में कबूतर ले हुए हैं और वो आपको आते हैं कि पकड़ो पकड़ो उधर आ रहे हैं कबूतर आ रहे हैं हम तो इस डर से कर रहे हैं ना कि कबूतर को कुछ हो ना जाए अच्छा उसको लग रहा है कबूतर अभी कुत्ता मार के खा चुका है घोड़ा बेच रहा कोरा हाँ। गया तो 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 फिर नाम पचेगा। नाम, हो जाएगा। तो मैं नाम बुरा जाएगा इधर इधर करके हम बच बच के करते। तो वहाँ जाते तो आप कुछ जाते तो आप जाते जाते कुछ हैं उधर <laughs> है तो। <laughs> <laughs> क्या इंडस्ट्री में ऐसा आपको ट्रेनिंग मिलेगा जीवन से आता है ना आपको ऐसा लगता है दुर्गेश भाई कि आप बहुत दिन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत आप किए होंगे एक छोटा सा रोल पाने के लिए आपको लगता है कि किस्मत अब आपकी सही डायरेक्शन में जा रही है या वो आपका मेहनत था जो अब फलित हो रहा है सर इसमें मैं वही बोलना चाहूंगा। किस्मत हमारे आपके हाथ में नहीं है वो एटमॉस्फेयर में वो कॉस्मोस में है लेकिन मेहनत हमारे हाथ में।, में तो ये मेहनत का रिवर्ट है और ईश्वरीय दृष्टि पड़ती है यह भी मैं मानता पड़ती पड़ती है पढ़ती है ईश्वरीय दृष्टि भी पड़ती है तभी बोला जाता है कि नवाज सर नवाज बन गए इरफान सर इतना समय के बाद हासिल कर पाए सीरियल करने के बाद फिर पान सिंह तोमर कर पाए मनोज वाजपेयी जी को बहुत जल्दी सत्या मिल गई पर वो भी कोरस थे दौड़ में और के नुंका नुंका नुका नुका। नुका। के बाद बाद भी स्ट्रगल उनका रहा कैमरा उनसे हटा लिया जाता, हटा दिया जाता था एक्टिंग करने पहली बार बोल आपके चैनल पे गलत नहीं बोला जाए शाहरुख खान के रईस फिल्म में था मैं राहुल ढलोकिया ने ऑडिशन लेके बुलाया था पहली बार बोल रहा हूँ शाहरुख खान ग्रेट राहुल ढालकिया ग्रेट तरन बजाज ग्रेट जिसने कास्टिंग किया पर बात कह रहा हूं आज कह रहा हूं गया सेट पे शाहरुख खान सर जी ने बोला मैं शाहरुख खान मैंने बोला मैं दुर्गेश कुमार ठीक है वो एक्टर है मैं कुछ वर्क नहीं किया गया होगा हर पक्ष होता है वर्क नहीं किया मुझे बोल दिया गया आपको आना है बाद में आइएगा कट टू अनिल चटर्जी विसलिंग वुड वाला वो रोल किया अच्छा कार मैकेनिक हाँ हाँ hmm. हाँ हा याद आ गया ओके okay. पांच दिन बाद मुझे एक एन एस बोलता है हुँ. कि तुम शाहरुख खान के सामने एक्टिंग करने से डर गए क्या हुँ. सब ग्रेट आदमी है लेकिन समझ रहे हैं कितना गर्दन का प्रतियोगिता है, है। हाँ हाँ बाप बाप ये पहली बार आपके चैनल पे बोल रहा हूं मैं सब ग्रेट आदमी है और वही रेड चिली से भक्स है और उसमें आप छा गए हैं क्या क्या बात है? क्या बात है है अब वही रेड से कर्तव्य आई कर्तव्य आने वाली है 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 इतना गला काट प्रतियोगिता फुल नहीं। है। नहीं। है। फुल लाइफ है। हाँ। है। हाँ। देखिए पर किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि वो मैं टैलेंटेड था मुझे हटा दिया ये सब कोई बात ही नहीं कर रहा हूं इतना गला काट प्रतियोगिता है उसमें आप अपनी जगह बना ले तो आप बताइए क्या साइकिल मैं तो उस दिन डिसाइड कर लिया एक्टिंग नहीं कर पा

कॉमेडी नहीं हो रही अच्छा ये हाईवे करने के बाद है ये हाईवे करने के बाद फ्रीकी अली करने के बाद और कट बताता हूँ उसके बाद मुझे सुल्तान मिली सुल्तान में कमेंट्री वाला मैंने किया है सलमान खान के सामने कैसे कैसे जब जब वैसा माहौल होता है एक रिजेक्शन मिल जाता है तो उस टाइम आप अपने आप को कैसे समझाते हैं वो तो एक्चुअली देखिए सब कुछ नेचुरल टूटते हैं आप टूटते हैं उसके बाद दूसरे दिन कॉल आता है कि सुल्तान में आपका हो गया अब अब हंसी वाला कैसा सुना था सुल्तान में मैंने यशराज में तीन हजार लोगों के साथ लग के ऑडिशन दिया ओपन ऑडिशन ऑडिशन चल रहा था अच्छा। स्कूल के ऊपर में अच्छा, अच्छा। सांता अग्ण। में अग्ण। दिया क्रैक किया मुझे मिला सुल्तान हाँ जी ठीक है कट टू इधर मुकेश छाबरा के यहाँ फ्रिकी अली में हो गया जो प्रोड्यूस कर रहे हैं सोहेल खान तो अब डेट क्लैश कर रहा है डेट क्लास कर रहा है तो मैंने बोला अरे तुम उन्होंने बोला कि तुम एक काम कोई करोगे मैंने बोला भाई सलमान खान है सोहेल खान है दोनों भाई को बोलो आपस में बात कर लेने मेरा काम करवा दो गजब दिमाग लगा दिया महाराज आप बोलता ऐसे प्रोड्यूसर ऐसे नहीं उसी को, को फंसा दिया आप अरे <laughs> तब तो डेट मैनेज हुआ मेरा सिर्फ आधे घंटे का काम और मेरा पांच दिन ब्लॉक हुआ था यशराज यशराज पैसा देती है मिला <laughs> पैसा मिला था <laughs> तो मिला था। कितना मिला था अरे मैं आता ही आधे घंटे का काम का, पांच सलमान भाई है इसीलिए सलमान भाई सलमान भाई आधे घंटे का काम कर कुरा के पांच दिन खत्म कट्टू की अली में लग जाए नवाज भाई सोहेल खान अलवाज खान सोहेल बहुत सोहेल भाई बड़े माई डियर आदमी और पहली लिखी हुई फिल्म है राजशान दिल्ली जी की अच्छा उनकी रिमगल रिमगल वाले हाँ, उनकी पहली लिखी हुई फिल्म तो उसमें भी मुझे देखेगा मुन्ना की कैरेक्टर ना ना जो जीप चला देता है अच्छा, अच्छा अच्छा तो वो मैंने किया मैं अभी भी बोलता हूँ आई एम एन एवरेज एक्टर मैं बहुत साइकोलॉजी लगानी पड़ता पर आज के मॉडर्न टाइम में डेवी प्र है डबिंग है अगर सही कहानी लिखी जाए तो कांस में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिलता है ना वो भी ला सकता हूं मैं आप कि जितना मॉडर्न स्ट्रक्चर है इसमें अगर ऐसी कहानी लिख कर कोई मुझे कास्ट करे तो मैं वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड ला सकता हूं ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है ये मेरी विनम्रता के साथ मैं बोल रहा हूं तो अभी आप किस तरह के रोल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको मिले जो आप करना चाहते हैं और अभी किस तरह के रोल आपको मिल रहे हैं कॉमेडी कर लो आओ चार सीन में मार दो किसी को कहना गलत नहीं होगा कि शायद कहीं ना कहीं आपको स्टूडियो टाइप किया जा रहा है मतलब स्टूडियो टाइप नहीं फिर वो बड़ी बात हो जाएगी अभी तो अपना शुरू शुरू ही ही हुआ, हुआ, हुआ है तो टाइप भी हो जाना कोई गलत बात नहीं है चार पैसा तो आएगा भाई दो बंगला तो खरीद लूंगा एक बात बता रहा हूँ बहुत ईमानदारी से आप बात बहुत ईमानदारी से मैं यही तो ईमानदारी से यहाँ तक पहुंचाऊ भाई डर नहीं लगता है मेरे को डर इतना ईमानदारी से हम बोल रहे हैं इसका कुछ दुष्परिणाम कल को हो गया कुछ क्योंकि मेरे मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे किसी ने बनाया नहीं मीम्स कौन बनाया जनता ने बनाया जनता ने बनाया।, नहीं। 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 बनाया मुझे किसका डर भाई नहीं। नहीं। लोग बोलते हैं काम मिलना बंद हो जाएगा मुझे कभी काम मिलना बंद नहीं होगा ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ मैं तो तीन दिन का दिन तीन दिन का शूट चार दिन का शूट करने वाला एक्टर हूँ दादा मैं तो लगातार काम करता हूँ अभी भी मेरी सात फिल्में बाकी इंडिपेंडेंट फिल्म, है अरे। फिल्म बड़ी फिल्मों में छोटा रोल कर रहा हूँ अच्छा बिबू मुझे बता रहे थे कि आ, बिहार से जनरली जितने एक्टर्स बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं वो पहले दिल्ली जाते हैं फिर बॉम्बे आते हैं जी आप भी आप भी पहले दिल्ली गए जी जी आप जब दिल्ली जैसे शहर में आते हैं पहली बार तो कुछ कल्चरल शॉक्स वगैरह आपको लगे कुछ कुछ लगा 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 कि यार थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है या मुझे, ऐसा कुछ लगा। मुझे ऐसा मुझे नहीं हाँ। क्योंकि मैं नॉर्थ कैंपस इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम ये सब मेरा भाई रिसर्च कर चुका था अच्छा तो उसने मुझे दूसरे दिन आईआईटी का एग्जाम दिया हूं और दूसरे दिन मुझे ले जाके एनएसडी के अंदर खड़ा कर दिया कि सर इसका वर्कशॉप लीजिए उद्देश्य ग्रुप अजय कटारिया डायरेक्टर अच्छा सर अच्छा, इसका वर्कशॉप लीजिए अब अच्छा, हम आप देखिए हम एक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे हमने कभी डिसाइड नहीं किया था व्यक्तित्व विकास चार आदमी से अच्छे से बात कर पाना बड़ों को इज्जत देना छोटों को प्यार देना हम से अच्छी बात करना हम लोग इसलिए थिएटर शुरू किए मेरा अच्छा, बड़ा भाई इसलिए थिएटर का मैं मेरे बाबूजी से कोई दस हजार रुपया मांग ले तो रिटर्न नहीं मांग पाते थे मेरे बड़े भाई से कोई दस हजार रुपया मांग ले तो रिटर्न नहीं मांग पाते थे शर्म लगती थी उन्हें तो मेरे भाई ने सोचा कि इसको ट्रेनिंग दिलवाता नरेटी पे चढ़ <laughs> के पैसा खींच के पे गमछा पैसा मांग पैसा निकाल ले तो उसके लिए हम लोगों ने थिएटर करना अपना पैसा तो मांग ही लेना चाहिए वो तो मांगना आना ही चाहिए दुर्गेश भाई पंचायत में ना आपका कैरेक्टर हमेशा ऐसे 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 करते रहता है है ना रियल लाइफ में खाई नहीं खाते हैं नहीं नहीं रियल लाइफ में कभी नहीं खाया कभी नहीं झूठ बोल रहे हैं नहीं कभी ने। तो खाए होंगे विद्या के <laughs> साथ <laughs> <laughs> मतलब लगाने उगाने आता है कि नहीं नहीं मेरे देखिए अब इसके पीछे भी एक रहस्य है वो भी आपके इंटरव्यू में पहली बार रहस्य खोल ना, आप ना, सब आप सब पहली बार आज खोल रहे हैं सारे रहस्य सारे रहस्य आज खोल के जाएंगे आप गर्दा उड़ा दीजिए ये कि मेरे बाबूजी प्रोफेसर हाँ। तो बड़े लोग आते थे तो खुद चुनाने में उनको थोड़ा शर्म लगता था हाँ। तो मेरी माँ को बोलते थे कि तू चुना के थोड़ा हमको दे दे तो मेरी माँ को चुना मेरी माँ कुछ नहीं खाती पीती हाउस वाइफ नॉर्मल हाउस तो चुना के दे दे मेरे बापू जी ने सख्त मना किया था कि तुम लोग तंबाकू नहीं खाओगे मेरा भाई आज टीचर है एक बच्चे का बाप है एक टुक सुपारी नहीं खाया उसने मैं थर्ड ईयर में था अब थोड़ा रोमांटिक भी हो जाते हैं <laughs> <laughs> क्यों नहीं बिल्कुल रस आप लड़की से हो गया मुझे प्यार हो गया उस लड़की ने मना कर दिया अच्छा ठीक है अब नाम सब अपना हाँ हाँ, ना। हाँ, हाँ। मना कर दिया उस कॉन्सिक्वेंस में मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया कि मेरा दिल टूट गया याद कीजिए हाँ, कि जब तक हाँ, आर्टिस्ट ने दिल नहीं टूटे तो मैं उस जोन में चला गया तो कुमार सानू अच्छा। का गाना वाना सब सुनते थे अरे नहीं मैं गाना वाना नहीं सुनता गाना सुनता सिर्फ सिगरेट पीता सिर्फ हूँ चौबीस घंटे सिगरेट पी रहा हूँ एक दिन में कितना डब्बा पी जाते थे गोल्ड फेक तो चार उस सिर्फ कॉन्सिक्वेंस उसके बाद एस आर एफ टी आई में चल रही है हम लोग की फिल्म एप्रिसिएशन की क्लास ठीक है वर्ल्ड क्लास की फिल्में दिखाई जा रही है अनुराग कस से प्रोड्यूस कर रहा है वो ये वहां के लड़के हाँ, अपनी लॉबी बता रहे हैं हुँ, हुँ. अब मैं सिगरेट में धूम मतलब okay. हूँ साथ में फिल्म अप्रीसी का कोर्स लग गया लोपाखीन चल रहा अच्छा उससे प्यार करता है सिगरेट उसने मुझे मना कर दिया मेरा दिल टूट गया वहां से मुझे स्मोकिंग की आदत लग गई तो ये है आज जब वो लड़की जिसने आपको रिजेक्ट किया आपको आपको देखती होगी तो आपको क्या लगता है क्या? उसके तीन बच्चे हैं वो अरब की बेटी छोड़े पीछा, पीछा नहीं आप बन तो है एक गिफ्ट कर दूंगा, बस खत्म चैप्टर बन बड़ा आदमी आपके हिसाब से क्या होता है अरे थोड़ा एक फिल्म फेयर तो मिल जाना चाहिए अच्छा

हाईवे करने के बाद 90 परसेंट एक्टर मैं अब बड़ा रोल करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा और मैं सुल्तान में एक सीन करता हूं फ्रिकी अली में पांच सीन करता हूं अभी जुनेद खान की महाराजा आएगी यशराज की. की फिल्म उसमें दो सीन किया हूं अच्छा। इतना करने के बाद क्योंकि मेरा भाई बोलता है बेगर्स कांट वी चूजर कि अक्षय कुमार के साथ इस साल एक ऐड आया भक्षक आई रेड चिली की कट्टू लापता लेडीज आई कट्टू पंचायत थ्री आई कट्टू इकतीस को पल्कित की डेढ़ बीघा जमीन आई कट्टू आप चौदह जून को देखेंगे मुझे जुनेद खान के फिल्म में ऑडियंस भगवान है हमारी उसकी दिल में घुसना है ना स्पेस बनाना है ना ये चालाकी नहीं है ये मेरा और मेरे भाई का सोचना है कि रजिस्टर्ड करें कोई मुझे देखे और फिर मुझे कोई एक और इंपॉर्टेंट रोल दे ऑफर करे ऑफर तो बेसिकली तो तो आपका रेलेवेंट रहने का तरीका है हाँ। कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूं करता रहूं। कोई छोटा हो रोल बड़ा हो डजंट मैटर आप बस काम अपना करते रहे मैं सच्चे दिल से जी जी दुगेश भाई पीछे चलते हैं हम लोग पंचायत 3 की बात कर पंचायत 1 जब आपने किया था उसके तुरंत बाद जो आपका एक फेज था जो आपने बताया कि आ, आपके पिताजी को ब्रेन हेमरेज हो गया था तो आपको वापस जाना पड़ा उनकी देखभाल के लिए देखने के लिए और यहाँ आपको कॉल्स आ रहे हैं पंचायत टू के लिए आपको आ, और यू नो भक्षक है और लापता लेडीज है इतने बड़े बड़े आपको काम मिल रहे हैं उसी टाइम और आपका प्रॉबेबली करियर वाइज पीक चल रहा है अच्छा काम सब कुछ मिल रहा है और आपने वो सारे काम किए भी उस दर और आपने ये भी बताया कि आप उस वक्त डिप्रेशन में चल रहे थे तो ये दोनों चीजें एक एक एक्टर एक का डिप्रेशन में चलना और अपने, अपने लाइफ का लाएफ सबसे बेस्ट, काम, कर सबसे कर बेस्ट काम, करना जी जी, जी। ये, ये कैसे ये मैं ये, ये कैसे हुआ? हुआ ये ही मैं बोलता हूँ एक्टिंग में बहुत लोग बोलते हैं ना कैमरा एकदम आपके दिल को देख लेता है आत्मा को आंख से झांक लेता है ये सब कुछ नहीं होता हम जो दिखाना चाहेंगे फिर वही बोल रहा हूँ विनम्रता के साथ बोल रहा हूँ मैं जो दिखाना चाहूंगा कैमरा, कैमरा वो देखे। वही देखेगा ऑडियंस वो देखेगी कैमरे में इतनी ताकत हो गई कि वो मेरे साइकोलॉजी को पकड़ ले तो वो कैसा कितना आसान रहता है आपके लिए स्विच करना क्योंकि रियल लाइफ में, में आप क्या वो क्या गो थ्रू कर रहे हैं डियर वही बात बता रहा हूँ मेरा पच्चीस साल का एक्सपीरियंस है वो होता है एक्टिंग मतलब नसीर सर एक ही चीज बोलते हैं टू डू करो करते 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 उस चरम तक आप पहुंचेंगे बातचीत से नहीं पहुंचेंगे करते करते आप पहुंचेंगे करो गलती होगी सही होगी डिप्रेशन में करोगे सुखी में करोगे खुल के करोगे नहीं होके करोगे ग्रेट एक एक्टर एक थे फॉरेन के उन्होंने बोला कि एक दिन उनको एक कैरेक्टर करने में बहुत मजा आया लेकिन ऑडियंस में उसका डायरेक्टर बोला तुमने आज अच्छा नहीं किया Oh. और एक दिन उसको कैरेक्टर करने में मजा नहीं आया फिर उसका डायरेक्टर बोला आज तो कमाल कर दिया <laughs> अब समझ रहे हैं आप कितनी डिटेलिंग की बात है ऑडियंस तक पहुंच क्या रहा है भाई वो मैटर करता है ऑडियंस थोड़ी ना जान नहीं है कि मेरे जेब में दस हजार रुपया है कि पांच रुपया है अब भूषण बनके तो हम वो दिखाएंगे हमसे करोड़पति कोई है नहीं है। चलने नहीं दूंगा भाई रघुवीर यादव के सामने एक्टिंग करना आप आसान समझते हैं हमारे जैसे छत्तीस उनके बच्चे हैं नीना गुप्ता नीना रगवी, गुप्ता रघुवीर यादव, यादव, यादव से कर पंकज जापैज जा। मलिकल मलिक बिल्कुल संजय मिश्रा के साथ संजय मिश्रा के साथ और वो मतलब कि बहुत अच्छा फिल्म भी है बकशक भी है बट उसमें क्या है कि संजय मिश्रा के रहते हुए स्क्रीन पे ना आपका वो वाला मीम बहुत वायरल हो जाता है जो है कि आप विशुद्ध चूतिए हैं <laughs> <जी>। <laughs> क्या है वो क्या जी। कैसे जी। आप हमको सकल से, से, से अकल से दिया बता रहे हैं आप सकल से अकल से नस्ल से भी पना पना रिस्पेक्ट देना रिस्पेक्ट के साथ जी बिल्कुल सो एज एन एक्टर सर जब आप पर्सनली आप एक यू नो लॉस से गुजर रहे हो ऐसी एक जर्नी चल रही है डिप्रेशन में आपने बोला तो वहां से निकलना पर्सनल लाइफ में जी जी क्या प्रोसेस आपका रहा कैसे निकले आप समय क्या? है? समय एक घंटा दो घंटा एक दिन तीन दिन तीन महीना चला जाएगा हम लोग अस्सी साल के किराए पे आए हुए हैं ये बात हम लोग हमेशा भूल जाते हैं अच्छा किराए पे आए हैं अस्सी की जिंदगी है किराए की जिंदगी है हमें एक रूम दिया गया है इस रूम में हम अस्सी साल रहेंगे और फिर चले जाएंगे हाँ। उसमें, उसमें सुख भी आएगा जी। पर हाँ, अपने सोल को कभी नहीं भूलना है क्योंकि महात्मा गांधी तभी बन पाइएगा जब आपका सोल काम करता रहे सत्य काम करता रहे तो सोल को के लिए काम कर रहे हैं बट देखिए दुर्गेश भाई ये बहुत अच्छी है सुनने में बहुत अच्छी बात लगती है ये पढ़ने में बहुत अच्छी बात लगती है लेकिन हम आप ही का एग्जाम्पल देते हैं कि आप बंबई आए दो में

आपने भी बो, आपने बोला है ऐसा कि आप शायद पैसे की जब दिक्कत थी आपने सॉफ्ट जैसे भी की। जी जी वर्जिन भास्कर तो आपको ऐसा लगता है कि वहां पे फिर सोल से समझौता करना पड़ता है सर्वाइवर के लिए मैं फिर वही बोल रहा मैं उसमें भी ऐसी एक्टिंग करूंगा कि ऑडियंस एप्रीशियट करेगी कि ये अच्छा एक्टर है बट कैटेगराइज तो आपको सॉफ्ट अभिनेता ही किया जाएगा ना? किया जाएगा पर वहां भी मेरी ईमानदारी तो देखी जाएगी ना तो आप आप कंटेंट में कुछ ऐसा डिफरेंशिएट नहीं करते हो आपके लिए अलग अलग नहीं, नहीं है या फिर वो सिर्फ पैसे के लिए आपको करना पड़ा उस उस टाइम पे ये पैसे के लिए करना पैसे के लिए ये बहुत अच्छी फिल्म है आई नहीं जिसका नाम है आधार मामी में दिखाया गया था।

और एक है आ, भाग बा, बावरे आंधी आई बहुत क्यों निकल भाग बावरे भाग बावरे, बावरे आंधी आई आपको रेफरेंस समझ में आ रहा है क्या बाग है भाग हो गया यार मुझे भी एक ताली चाहिए यार मैं सिर्फ आप लोग ताली मारते जा <laughs> फोम हो गया यार मुझे ये ये फिल्म ये फिल्म में कौन है ये इसमें हम लोग नए एक्टर हैं अच्छा कपूर आप जब अमिताभ बच्चन निकल अमिताभ बच्चन को मिले आप नहीं अभी तक संयोग नहीं हुआ अमिताभ बच्चन से नहीं मिले हैं आमिर खान से मुलाकात हुई ला आमिर खान जी से फेस टू फेस नहीं हुई पर प्रीमियर में गए थे देखा था बातचीत किया था उनसे और किरण मैम ने मेरी बहुत प्रशंसा करी थी Amazon का जो प्रीमियर नाइट उसका ऑडिशन कैसे क्रैक किया मतलब उसका ऑडिशन मैं अभी आपको YouTube पे दिखा सकता हूँ मतलब पंचायत दो दिन शूट करके आया था मैं यहाँ मुंबई और उसी बीच मुझे ऑडिशन कॉल आया राम रावत ने कॉल किया दो सीन थे दो सीन मैंने किए और वो सीन रखे हुए अभी मेरे पास और वो सीन मैंने भेजे और उन्होंने बोला आपका हो गया है और फिर मैंने लापता लेडीज किया ओके मतलब टलेडीज आपके ओके okay. और ये आ, क्योंकि आप कास्टिंग की बात कर रहे हो इस टाइम तो कास्टिंग एजेंसीज के बारे में भी आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट हमने सुना था जी जी जिसपे आपने बोला है कि कास्टिंग एजेंसी के चौकीदार भी अपने आप को अनुराग कश्यप सही बात समझ जी जी सही ये तो कम नहीं समझते हैं जी जी ये ठीक है तो लेकिन वही है कि गलती उसमें उनकी भी नहीं है मैं दोनों पक्ष रखना चाह रहा कि कि इतने एक्टर आ रहे हैं ना भाई कि उसमें करे करे तो करे कैसे। हुँ। हुँ। तो कैसे फिर वही हो जाता है दुर्गेश एनएसडी पास आउट हाईवे किया है ठीक हुँ। हुँ। है हुँ। अब रोल ही नहीं लिखा जा रहा तो कहां से काम मिल जाएगा दुर्गेश मैं वही मैं मैं पूछना यह चाह रहा हूं इसमें सवाल मेरा यह है कि कास्टिंग का जो प्रोसेस है जो इंडस्ट्री में उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि क्या वो सही है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए या इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं जो आ, कुछ प्लस माइनस होना चाहिए कास्टिंग के प्रोसेस में ईमानदारी उस, से बताऊं इट्स नॉट ए हंड्रेड परसेंट प्योर ऑडिशन में अभी बहुत स्टैंडर्ड आना बाकी बाकी है लाइन बोल देना ऑडिशन नहीं होता सर लाइन बोल देना ऑडिशन नहीं करे एक एक लास्ट बिफोर वी रैप अप एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि पंचायत के पूरी फैमिली में आप सबसे क्लोज किसके साथ हैं विनोद अशोक पाठक को से, हाँ। देख रहा है विनोद तो उठना बैठना होता है सेट हाँ, के बाहर भी हम लोग आप लोग वो मुझे पंचायत से पहले से जानते हैं अच्छा पहले से जानते हाँ। मैं उनको पंचायत से पहले से जानता हूं हम लोग वर्सोवा में साथ में रहते थे आराम से चाय पानी हम लोग का चलता रहता था तो वो मेरे पहले से दोस्त है और हम जब कास्ट हुए तो हमें बहुत खुशी एक साथ जी सर ऐसी दोस्ती बनी रही और ऐसे ही जो आपकी केमिस्ट्री है ऑन स्क्रीन वो ऐसे ही मचाती रहे थैंक। ओके चलिए ठीक है बहुत थेके तो, बहुत आनंद आया बहुत मजा आया आप हमको लगता है कि आपको भी मजा आया होगा क्योंकि आप तो पचास इंटरव्यू देते रहते हैं पता नहीं हम लोग कितना उम्मीदों पर खड़े उतरे आपको धन्यवाद थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए बहुत मजा आया हमें नमस्कार मैं दुर्गेश कुमार अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल कमेंट्री